नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज और मैं हूं राजू शर्मा। इस समय हमारे साथ सार्थक चौधरी मौजूद हैं जो कि दिल्ली से आए हुए हैं और एक बड़ी मूवी में भी वर्क कर चुके हैं। सार्थक, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे प्रयागराज चैनल में, क्योंकि प्रयागराज का अपना चैनल है। सार्थक, किस लिए आप आए हैं, क्या उद्देश्य है प्रयागराज में आने का? सबसे पहले ये जानते हैं, प्रयागराज में आया हूँ सबसे पहले चीज़ें कि यहाँ फैशन, जो जिस चीज़ के लिए मैं आया हूँ, बच्चों में घूम करने के लिए आया हूँ जी, प्लस जो फैशन हो रहा है प्रयाग फैशन के, जो मैं एज अ जूरी भी हूँ, तो मेरा मेन मोटिव यही है कि जो बच्चों के अंदर टैलेंट है उसको बाहर निकालना, उनको ग्रूम करना। कैसा रिस्पॉन्स रहा? दो तीन दिन आपने ट्रेनिंग भी दी, हम लोगों ने देखा और काफ़ी अच्छा, तो परफॉर्मेंस कैसा रहा प्रयागराज के अंदर? क्या लगा आपको, टैलेंट है कि कैसा? प्रयागराज के अंदर टैलेंट है, लेकिन जो लड़कियां हैं वो अभी थोड़ा डरती हैं बाहर चीज़ें, जैसे मैंने कुछ गर्ल्स को बोला कि आप शॉर्ट्स पहनिए ग्रूमिंग के टाइम पे, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि यहाँ अभी लोगों में फैशन तो आ चुका है, लेकिन लोगों की थिंकिंग चेंज नहीं हुई जी, तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ चेंज कर। सार्थक, आप उत्तर प्रदेश से हैं जैसा हमें हमने जाना ये चीज़ है पता चला, और आप एयरलाइंस रियल स्टार्टअप से वर्क करते थे, इसके विषय में भी थोड़ा हमें बताएं। देखो, मैं आज यहाँ हूँ तो मैं एकदम से नहीं, मैंने भी स्ट्रगल किया है, मैं भी इधर से उधर जाता था, ऑडिशन देता था। ये कि अगर आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से और ईमानदारी से करेंगे, और अगर आपके अंदर उस चीज़ को पाने की इच्छा है और आपके अंदर टैलेंट है, तो वो चीज़ एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलती है। तो यही चीज़ मैं सब बच्चों से बोलना चाहूँगी, सब बच्चों के लिए पेशेंस होने चाहिए, इसी चीज़ को करने के लिए मेहनत लगन होनी चाहिए, तभी वो चीज़ आपको मिलती है। सार्थक, एक और चीज़ आपसे जानना चाहिए, जैसे हमें पता लगा, हमने देखा भी आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी उल्टा पंजाब फिल्म में, किस तरीके से वो सफ़र रहा और किस तरीके से आपने वो फिल्म की, कुछ ऐसी रोचक बातें या कुछ हमसे शेयर कर सके, क्योंकि स्ट्रगल जैसा आप बता रहे हैं आपने बहुत की, तो उस फिल्म के विषय में भी हमें थोड़ा। उसके विषय में तो मैं अचानक, मेरे पे एक कॉल आया कि हाँ इसका ऑडिशन है, इसके ऑडिशन सारे अमृतसर में जी, पंजाब में, तो मैं चले गया। उस ऑडिशन में कम से कम 800 बच्चे थे, 800 बच्चों में से 13 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, जिसमें मैं भी था, बट मुझे यकीन नहीं था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, मैं ऐसे ही चले गया था। मुझे किसी ने बोला, जिसने मुझे बताया था वो भी ऑडिशन देने गया था, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो पाया और मैं सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सार्थक जी, अपने व्यूवर्स से भी आप क्या कहना चाहेंगे जो प्रयागराज चैनल के माध्यम से आप देख रहे होंगे? मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि जिस बच्चे के अंदर टैलेंट है, पहले तो पेरेंट्स उसको रोके ना, अगर पेरेंट्स रोकते हैं तो ये उनकी मूर्खता है। जिस बच्चे के अंदर टैलेंट है उसको उसमें आगे बढ़ाओ, हेल्प करो। प्लस मैं ऑर्गेनाइजरों से भी बोलना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे में टैलेंट है तो आप उसको स्टेज दो, परफॉर्म करने का मौका दो, उसके टैलेंट को शोकेस करने का मौका दो, इसी से ही आप आगे बढ़ोगे, आपकी सिटी आगे बढ़ेगी और लोगों का नाम होगा। तो थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे साथ मौजूद रहे। एयरलाइन सीरियल्स में काम कर चुके सार्थक जी, और उसके साथ ही साथ उड़ता पंजाब फिल्म में काम कर चुके हैं ये, और प्रयागराज की पूरी टीम को बहुत बहुत सौभाग्य कह लीजिए मिला है कि वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद रहे। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय दिया। मैं अल्लू शर्मा, प्रयागराज न्यूज़ से जा देता हूँ। नमस्कार, थैंक यू सर।